बेटवा, कैसे हाय बेटवा? हाँ हाँ ठीक हूँ। नमस्ते बच्चों, बैठिए। आज मैं आपको शिक्षा का महत्व बताऊंगी। बच्चों, पढ़ लिखने से मनुष्य बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, इसलिए स्कूल में आकर हमें सारा ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, तो आप कौन बनोगे सीमा? डॉक्टर। हाँ, और आप कौन बनोगे रीमा? बोलो बोलो। मैं इंजीनियर बनूंगी। वेरी गुड। आप कौन बनोगे राजू? टीचर। टीचर बनेगा। और आप? मैं बाबू जैसा कंडक्टर बनूंगा, फिर मेरे हाथ में खूब पैसा आएगा। क्यों बच्चों, क्यों हंस रहे हो? अब तो थक गए। कितना मर मर के काम करत है हम लोग। ससुराओ बाबूजी जो कुछ देता है उससे ही खुश रहना। इस पर कुछ बोल भी नहीं सकता है और पूछ भी सकता है। क्या करें जी, इसका और हमारा पेट पाले इतना भी नहीं कमाते हम। सुबह से शाम तक काम करे तब मिलता क्या है? बेटा खा ले, बेटा खा खा ले। माँ माँ माँ, हमें भी स्कूल जाना है, मैं घर पर बैठ के क्या करूँगा? चुप बैठ, हमारी यहाँ बात क्या हो रही है और तुम क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटवा, अरे तुम घर में क्यों बैठेगा? कल से हमारे ही साथ चलेगा। वहाँ कोई काम किया तो कम से कम तुमको 50 रुपए तो मिलेगा। उतने में ही हमको भी थोड़ी मदद होगी। मैं नहीं जाऊंगा बाबू, मैं नहीं जाऊंगा बाबू, मैं नहीं काम करूंगा बाबू। मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। माँ, तुम
बोलो ना बाबू को। मैं समझ सकती हूँ बिजुआ, पर क्या करे, मजबूरी ऐसी है। ये बता
अंधी सी है ख्वाहिश मेरी, जीने का हो मतलब कोई, नन्ही सी है ख्वाहिश मेरी, जीने का हो मतलब कोई, बिन पढ़ाई के मैं एक अज्ञान हूँ, राह भूला हुआ एक अनजान हूँ, कोई राह दिखा दो खुदा, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा। बेबस मेरी ये जिंदगी, मुश्किल भी है राह यही, बेबस मेरी तेरा मिले तो है मुश्किल कहा, छोड़ दो अपना कोई निशान, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा, इतनी भी है क्या हुई मुझसे खता, इतनी भी है क्या हुई मुझसे खता, जी रहा हूँ मैं सबसे जुदा, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा, ऐ खुदा ये बता क्यों दे दी है मुझको सजा, क्यों दे दी है मुझको सजा, क्यों दे दी है मुझको सजा। आई आई
बैठे। आज हमारा झोपड़ी में आना कैसा हुआ? आपके बेटे के खातिर ही आई हूँ। क्या किया बिटवा ने? बिटवा, ओ बिटवा। नहीं नहीं, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ही मिलने आई हूँ, आप थोड़ा बैठिए। हमें आप दोनों से बात करनी है। आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेज देते? क्या करें, घर चलाना ही मुश्किल हो गया है। हम सोच रहा था कि कल ही उनको काम पर ले जाए, पर उसकी ये उम्र अभी से बोझ उठाने की नहीं है। अभी से काम करने लगेगा तो उसका बचपन ही खो जाएगा। पढ़ लिख जाएगा तो आपका नाम रोशन करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ लिख कर हमारे बच्चे को कौन सी अच्छी नौकरी मिलेगी? इससे अच्छा है वो कुछ काम करे। इनका और हमारा बोझ ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़े दिनों में काम छोड़ने वाली हूँ। क्यों, आप क्यों काम नहीं करोगी? मैं पेट से जो हूँ। आप उसे खुद जैसा मजदूर बनाने पर क्यों तुले हो? मैंने उसमें सीखने की लगन देखी। इन दिनों वो स्कूल के बाहर नजर नहीं आया तो मैं पूछने आई। सोचत है। सोचना मत, आप कल ही भेजना स्कूल में। कितनी सारी योजनाएं बनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्यों उसका और आपका भविष्य बिगाड़ने पे तुले हो? आप कल ही आकर मुख्याध्यापिका से मिलिएगा, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चे को स्कूल में। तो आप लोगों को क्या करना है? जाके उनके माँ पिता को बताना है पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ाई करने से क्या क्या फायदा होता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमारे पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, हमने पढ़ाई करने से कितना फायदा होता है। तो ऐसे ही जाके उन बच्चों के माँ बाप को आपको बताना है। आइए आइए, हमें खुशी है कि आप अपने बच्चे को स्कूल ले आए। हमें हमारे गलती का एहसास हुआ। हम हमारे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, पढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है जो आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। कल रहा बहुत देर हो गई है, अभी तक बिटवा घर नहीं आया। जा जाके उसको बुला ला। बुला के ला। बिटवा नहीं आया।
आपका बेटा कंस्ट्रक्शन साइट पर है। मेरा बिटवा। इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो परेशान हो गए हैं तुमको ढूंढते ढूंढते। पापू मैं काम सीख रहा हूँ, कल से यही तो करना है मुझे। टीचर जी कहती है बच्चों कोई भी काम ऊंच या नीच नहीं होता, लेकिन बेटा कंडक्टर बनोगे तो पैसों का हिसाब तो करना पड़ेगा, और हिसाब आने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है ना? आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और आपके हिसाब किताब का सारा ज्ञान बटोरना पड़ेगा, बाद में आप कंडक्टर बन सकते हो। याद रखो कोई भी काम ऊंच या नीच नहीं होता। और हमारा पेट पाले इतना भी नहीं कमा दे जी, जितना देता है उसमें ही खुश रहो। बोल भी नहीं सके थे, पूछ भी नहीं सके थे। नहीं नहीं बेटा, तुम काम नहीं करेगा, तू तो कल से स्कूल जाएगा। बेटा कल से स्कूल जाएगा। चल बेटा। अब हमें एहसास हुआ कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। चल अच्छी बात है जो आपने अपने बच्चे को पढ़ाने की सोची। अब हम पढ़ेंगे ना मनु? चलो क्लास चलते हैं। देखो बच्चों, आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट आया है, आज से ये आपका दोस्त है। हाँ, आपके साथ ये भी पढ़ाई करेगा, है ना? मन लगा के पढ़ोगे ना? हाँ, कल से हम आपको यूनिफॉर्म दिलवाएंगे और आपके लिए नए बुक्स भी आ जाएंगे।